नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम चुनावी है, पर यहां पर सबके मन में कोई ना कोई मतभेद पलता हुआ नजर आ रहा है। कारण यहां पर यह है कि सत्ता सबको चाहिए, सब बीजेपी पर यहां पर हटाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ करेगा। कौन बड़ा नाम आया था? INDIA गठबंधन। आधारशिला रखी गई, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई पटना से लेकर बेंगलुरु, बेंगलुरु से लेकर मुंबई, पर उसके बाद जो परिणाम आया है वो किसी के मन को नहीं लुभा रहा है। परिणाम लोकसभा का नहीं आया है, परिणाम यहाँ पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के उतारने पर आया है। पहले बात हुई उसका सीटें नहीं मिली, और समाजवादी और कांग्रेस पार्टी में एक रार बन गई, बयानबाजी हुई, और बयानबाजी के बाद वो बयानबाजी लगातार अपने मंसूबे से अलग दूसरी दिशा में चली गई। दिशा यानी एक ऐसी दिशा जिसको कहते हैं कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। और जब INDIA के बड़े दल अपने अपने रास्ते चलेंगे तो INDIA की बात करना शायद यहां पर बेमानी ही होगा, और मैं इसकी बात करना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम खबरनवीसों की जिम्मेदारी है कि जो भी घटित हो रहा है आपके सामने लाएंगे जरूर। और प्राइम टीवी हमेशा ऐसे मुद्दों को मुखरता से उठाता आ रहा है, वो आज भी उठाया है, क्योंकि यहाँ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है, और वो यह है कि राजस्थान में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर जीत जरूरी है। और प्रत्याशी भी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर अगर जीतना है तो तैयारी जरूरी है। और जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर अपने आप को दमखम दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसके पहले भी अगर हम बात करें 2018 चुनाव की, तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी उतारे थे, और लगभग लगभग 60.56% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। अगर जीत के माने तो लगभग लगभग 15 साल पहले 2008 में समाजवादी पार्टी को एक सीट पर जीत भी हासिल हुई थी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जहां पर एक तरफ गठबंधन की बात कही जा रही थी, जहां एक तरफ व्यवस्थाओं की बात कही जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर व्यवस्थाएं सुधारने की बात कही जा रही है, क्योंकि यहां पर लड़ना सब चाहते हैं, पर यहां पर गठबंधन को मजबूत करना कोई नहीं चाहता, और यहां पर इनके ऐलान से कांग्रेस हलकान हो चुकी है। होना भी चाहिए, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी राजस्थान में जाएगी तो निश्चित रूप से इनका बना बनाया खेल बिगाड़ेगी। कांग्रेस राजस्थान में दोबारा आने की बात कर रही है, छत्तीसगढ़ में दोबारा आने की बात कर रही है, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी को हटाकर चुनाव जीतने की बात कर रही है। पर चुनाव जीतेंगे कैसे, उसके लिए भी रणनीति जरूरी है, और रणनीति के साथ साथ अपने साथियों का होना जरूरी है। कहते हैं कि जब साथी विपक्ष के रूप में तब्दील हो जाएगा तो वहां पर दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि साथी आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, आपकी रणनीति को जानता है और आपकी व्यवस्थाओं को जानता है। और जब एक दोस्त दुश्मन में तब्दील होता है, विपक्ष में तब्दील होता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह बड़ा हो सकता है। और कुछ ऐसी ही व्यवस्था से कांग्रेस को मध्य प्रदेश और राजस्थान में रूबरू होना पड़ेगा, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर राजस्थान में अपने 7.56% के पिछले प्रदर्शन से पीछे भी रहती है या उस प्रदर्शन तक भी आती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए यहां पर नुकसान की इबारत दिख सकती है। पर यहां पर चूंकि चर्चा महत्वपूर्ण है, और चर्चा के साथ साथ एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि जो रार है वो लाख लोग बोलते रहे कि रार खत्म हो गई है, पर रार यहाँ खत्म नहीं हुई है। और जब रार खत्म नहीं हुई है तो यहाँ पर वो चीज़ें लगातार बढ़ती चली आ रही हैं, और वो चीज़ें बढ़ते हुए आने वाले समय में और दिक्कत देने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर अलवर जिले की राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थाना गाजी, धौलपुर, नरवई और नगर सीट पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। और यहाँ पर अगर पिछला प्रदर्शन भी कर लिया तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती यहाँ बनती नजर आएगी। चुनौती यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि अगर चुनौती की हम बात नहीं करेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी, और चुनौती की अगर बात नहीं करेंगे तो भी यहाँ दिक्कतें बढ़ेंगी। यहाँ पर चुनौती की बात करना इतनी आवश्यक है कि बेहतर तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और चुनौती की बात यहाँ इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि बिना चुनौती के कोई भी चुनाव का हम एक सिलसिला शुरू होता है उसको मान ही नहीं सकते हैं।
व्यवस्थाएं जरूरी है, रणनीति जरूरी है, कवायद जरूरी है, पर साथ भी जरूरी है। और जब यहाँ पर पक्षी आपके पेपर्स में खड़ा हो जाएगा तो चुनौती भी बहुत जरूरी है, और चुनौती बड़ी है। चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी है, बीजेपी को फिलहाल यहाँ पर सुकून है कि बीजेपी जैसे INDIA गठबंधन में रार पड़ी है महत्वपूर्ण पार्टियों के बीच में, बीजेपी केवल इसी बात से खुश है कि हम जो कह रहे थे वही हो रहा है। और बीजेपी के तमाम नेताओं ने तमाम मंचों से ये बात कही कि INDIA गठबंधन की व्यवस्था जो रची गई है, यहाँ पर सब अलग अलग होंगे, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव में एकजुट नहीं हो पाए, वहां पर एक दूसरी पार्टी को मजबूत नहीं कर पाए, तो फिर कैसी व्यवस्थाएं बनेगी। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों का ये सेमीफाइनल है लोकसभा का, अगर विधानसभा चुनाव में ही आपने अपनी पार्टियों को सपोर्ट नहीं किया तो फिर INDIA गठबंधन की नींव रखने की जो उद्देश्य है वो असफल हो गया, क्योंकि उद्देश्य घोषी शुरू हुआ था जब घोषी में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी 42,000 वोटों से ज्यादा से, तब कहा गया था कि INDIA की पहली जीत है और जीत आगे बढ़ते हुए विधानसभा चुनाव तक जाएगी। पर ना जाने क्यों कि बागेश्वर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार कर कांग्रेस को इतना दर्द दिया कि उस दर्द के बाद, अजय राय के बयान के बाद चीजें खराब हुई। महत्वपूर्ण चर्चा में से हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और आप सबको कुछ ही समय में रूबरू करा दूंगा, क्योंकि यहां पर चर्चा बड़ी जरूरी है और इसी चर्चा के लिए आज हम यहां बैठे भी हुए हैं। चर्चा इसलिए जरूरी, चर्चा जनता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जनता को भी समझना पड़ेगा कि कौन यहां पर आपके लिए सामने आ रहा है। सब बात करते हैं और क्षेत्रीय दलों की बात तो यहां सब करते हैं, और सभी पार्टियां अपना अपना संगठन को आगे बढ़ाना ही चाहती हैं, सब चाहती हैं कि उनका संगठन आगे बढ़े, सब चाहती हैं उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हों। पर व्यवस्थाएं बेहतर कैसे होंगी ये पार्टी को भी समझना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को भी समझना पड़ेगा, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा। और फिलहाल यहां पर व्यवस्थाएं दूसरी नजर आ रही हैं, फिलहाल यहां व्यवस्थाएं बेहतर नजर आ रही हैं, और फिलहाल यहां पर जो स्थितियां हैं वो दूसरी हैं, क्योंकि यहां पर केवल बात व्यवस्थाओं की नहीं है बल्कि बात यहां पर एक ऐसी इबारत लिखने की है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सूपड़ा साफ होगा, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बहुत कुछ स्पष्ट करेंगे। और यही आज का विषय है कि रार बढ़ती बढ़ती पहुंची राजस्थान, किसका होगा नुकसान और किसका होगा कल्याण। चर्चा में से महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूप का अनु भारतीय जनता पार्टी से सुनील शाही अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में विवेक पांडे भी राय देंगे, मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस से अपनी राय देंगे, प्रवक्ता रालोद के रूप में यहाँ पर आशीष तिवारी अपनी राय देंगे, और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ भाई गजेंद्र त्रिपाठी जी अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा वो रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से, मलिक भाई सिलसिला घोसी से शुरू होता बागेश्वर पहुंचा, बागेश्वर से पहुंचता पहुंचता मध्य प्रदेश पहुंचा और अब राजस्थान पहुंच गया है, रार थमी नहीं विराम लगा नहीं, और जब मित्र ही विपक्ष में खड़े हो जाएं तो चुनौती बड़ी हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपको सत्ता पक्ष से भी लड़ना है और साथ साथ आपको विपक्ष से भी लड़ना है, और वो विपक्ष जो आपका कभी साथी हुआ करता था, बड़ी चुनौती आपके लिए है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया खुले मन से कांग्रेस को चालू झूठी पार्टी बोल रहे हैं, उसके अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठ बोलने वाली पार्टी इसको वोट ना दें, कहीं ना कहीं आपके लिए विषम चुनौती है विधानसभा चुनाव में, आप जीत के दावे कर रहे हैं। जी रार हो जाए लेकिन कोई रार नहीं है, गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ था हाँ। और वो कायम है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, लोकतंत्र का महाकुंभ है तो सबको अपनी अपनी ताकत आजमाने का हक है, वो कोई भी हो आप आएंगे आपका भी स्वागत है, जनता डिसाइड करेगी राजस्थान के लिए कौन बेहतर है, आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा है, भाजपा है, कांग्रेस है, हम तो अपना काम लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, 7 गारंटी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा ईडी जो इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा बन चुकी है ईडी, उसके आधार पर चुनाव लड़ रही है। और रही कि कोई पार्टी लड़ रही है नहीं लड़ रही है, बिल्कुल लड़ी है, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है, कहीं भी लड़ सकता है, लेकिन जो लोकसभा जो आगामी लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो डिसाइड करेगी कैसे आगे का रोड मैप होगा, उसमें सभी पार्टी के नेता है, छोटे हो बड़े हो, छोटे दल हो बड़े दल हो, सबका एक कोऑर्डिनेशन होगा और आगे रोड मैप देश के सामने रखेंगे हम। लेकिन भाजपा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी होती है, हमेशा खुश होती है कि कुछ गड़बड़ हो तो हम उसमें मजा खुश तो होगी भाई,
आप लोग अपनी बयानबाजी से उसको मजा देंगे तो खुश होगी, क्या दिक्कत है? अश्विनी भाई अभी खुश हो रहे हैं, अभी मुस्कुरा रही है अश्विनी भाई। खुश होने दीजिए, जनता तो काम के आधार पे वोट करने वाली है राजस्थान में। अच्छा, बयानों के आधार पे कोई वोट नहीं होगा। चलिए ठीक है मलिक भाई, बहुत अच्छी बात कही, बड़ा सुंदर मुझे आपने वक्तव्य लगा। आपने कहा कि ये गठबंधन विधानसभा नहीं लोकसभा के लिए हुआ है, पर जो पेट भर भर के कोसा जा रहा है उसे उन बयानों से बैक कैसे होंगे? कैसे बोलेंगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है? कैसे बोलेंगे कांग्रेस चालू पार्टी नहीं, ईमानदार पार्टी है? जो बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना है, इन बयानों से पीछे कैसे होंगे आप? और कैसे आप इसे जो आपकी रार हो गई है इसको पाटने काम करेंगे? क्योंकि रार यहां पर इतनी बड़ी हो गई है कि पाटना असंभव है। आप लोकसभा चुनाव तक कैसे पाटेंगे और कैसे आपकी पार्टी के लोग और कैसे समाजवादी पार्टी के जो आपका साथी गठबंधन है INDIM है वो आपके लिए यहाँ प्रचार करेगा या आपकी बात कहेगा कि नहीं इनको वोट दीजिए? कैसे होगा ये? कैसे कैसे सीटों पर जब आपको सपोर्ट मिलेगा समाजवादी पार्टी का तो कैसे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहेंगे नहीं वो धोखे से हो गया था, गलती थी हमारी, वो जानबूझ के नहीं किया था, आप वोट दीजिए कांग्रेस को, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, कैसे कहेंगे? जी जी वो उसका जवाब तो वही देंगे जो बयान दे रहे हैं, हम तो नहीं दे सकते उसका। अच्छा। जवाब उनको ही देना पड़ेगा। अच्छा। क्या सही है क्या गलत है हम, लेकिन जो अपन विपक्ष के नेता है चाहे हमारे नेता है हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन बयानबाजी पे लगाम लगनी चाहिए चाहे वो कोई भी हो। एक भाषा का संयम होना चाहिए, अगर आप भाषा का संयम तोड़ रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए तो बात की बात है, वो आपके लिए खतरनाक साबित होगा। कोई भी गलत बयान किसी के बारे में देता है, आज पूरा देश जो है प्रधानमंत्री के बयानों को रिपीट कर करके वायरल कर करके रील बना के पूरे देश के सामने पेश कर रहा है जो उन्होंने बयान पहले दिए थे। तो आज देश सोशल मीडिया ऐसी चीज है कि हर चीज सामने आ जाएगी, अगर मैं गलत बयान दूंगा आप भी उसको शॉर्ट बना के डाल दोगे अपनी वेबसाइट पे अपनी फेसबुक पे सब जगह। तो जो गलत बयान दे रहा है उसका जवाब तो वही बेहतर दे सकता है, हम उस पर क्या बोल सकते हैं। लेकिन लोग लोकसभा विधानसभा में सबको अधिकार है, सब चुनाव लड़े अपनी किस्मत आजमाए, यानी गठबंधन होगा। चलिए ठीक है, लोकसभा गठबंधन होगा। मैं प्रवक्ता सपा को ले लेता हूँ। वे भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? वे पांडे, वे पांडे आपको मेरी आवाज आ रहा है? आर्या जी वे भाई, अब पछता ढूंढ कर चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पर मलिक भाई तो बोल रहा है कि जो बयान दे रहे हैं वही जवाब देंगे कि ऐसा क्यों दिया है, और बोल रहे हैं अभी भी उनको बड़ा भरोसा है कि लोकसभा तक चुनाव का ये गठबंधन जाएगा, INDIA ही चलेगा। पर जो पेट भर भर के कोस रहे हैं, खुलेआम अपीलें कर रहे हैं, वोट नहीं देना है, चालू पार्टी खराब पार्टी और धोखे देने वाली पार्टी बोला जा रहा है, ये कैसे मैनेज करेंगे? ये रार बढ़ गई है, बयान से जो खटाई आई है उसको कैसे आप अलग करेंगे? क्योंकि मले भाई को भरोसा है, पर जनता कैसे भरोसा करेगी कि नहीं, और आपके कार्यकर्ता कैसे कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन भी देंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। जी गौरव भाई देखिए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी बड़ी शिष्टाचार के साथ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए वे किसी भी तरह का हानि का सौदा है, हानि का मसौदा है या हानि की बात है, तो मुझे लगता है उसे इस भ्रम से बाहर आने की आवश्यकता है। अच्छा। समाजवादी पार्टी नहीं, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में जा रही है, चुनाव में लड़ रही है, अलग राज्यों में जा रही है, तो उसकी पार्टी का विस्तारीकरण हो रहा है। अच्छा। और उस विस्तारीकरण से समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके प्रत्याशी कहीं से भी निराशा की स्थिति में नहीं है। अच्छा। ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है, ये उनको तय करना है जो इस गठबंधन के पहले अच्छा कुछ और कह रहे थे और आज उनके सुर कुछ और हैं। अच्छा भाई, हमारे लिए तो ये अवसर है, हमारे लिए तो ये उत्सव है, दिवाली का तोहफा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, मजबूरी उन सारे जुझारू कार्यकर्ताओं के लिए जो सालों साल इंतजार कर रहे थे कि उन्हें चुनाव में उतरने का मौका मिले। अच्छा। हम इसको नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखें? अच्छा। हमारी पार्टी के आंतरिक हित के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे भी हम क्षेत्रीय दल हैं, जब तक हम अपनी पार्टी का विस्तार नहीं करेंगे हम एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कैसे सामने आएंगे? अच्छा। और आज आदरणीय अखिलेश जी ने जो उत्तर प्रदेश में विकास का बेंचमार्क सेट किया है, अदर राज्यों के दूसरे राज्यों के लोग भी उसको देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि अखिलेश जी उनके राज्य में आए, उनके राज्य में नेतृत्व करें और उनके राज्य में भी सुखोई और हरकुलस जैसे विमान नेशनल हाईवे पे उतारे जाएं। अच्छा। क्या गलत बात है? हम तो भाई इसको आलोचना और तिरस्कार की दृष्टि देखते ही नहीं है, हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे लिए अवसर है कि जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया गया उसकी उस गति को हम पूरे देश की सड़कों तक ले जाए, पूरे देश के वायुयानों को उतारे हाईवे के ऊपर, पूरे देश में हम JPNIC जैसे इमारतों को खड़ा करें। सवाल लीजिए, INDIA गठबंधन की जो एक रचा गया था उद्देश्य था BJP को हटाने का, तो यहाँ तो अपने आप मित्र से ही लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में जाके, और आप बोल रहे हैं अफसर है, मजबूरी है, क्योंकि आपने सीटें मांगी थी, सीटें आपको मिली नहीं,
तो तुम्हारे पास को मजबूरी मानूंगा कि जब सीटें नहीं मिली तो फिर चुनाव लड़ना है, बैक हो नहीं सकते हैं क्योंकि प्रत्याशी आपके तैयार है निश्चित रूप से, जब क्षेत्रीय दल प्रगति करता संगठन को बढ़ाता तो वहां पर बैक नहीं होगा। तो आप अफसर बता रहे हैं, मैं तो मेरे मन में मजबूरी है। खैर ठीक है, आपके दावे अफसर है तो राजस्थान में भी अफसर दिखाने गए हैं या मजबूरी है? नहीं देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हम तो इसको अवसर की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, और मैं आपसे फिर कहूंगा कि जितना जिसको जिस नजरिए से देखना है, समाजवादी पार्टी के आंतरिक मसले की अगर बात करूं तो हमारे प्रत्याशी इस चीज से वास्तव में हतोत्साही हतप्रभ है। हाँ। और थोड़ा सा उत्साह है हमारे लोगों में, ऊर्जा अच्छा। है इस समय। हाँ। कि वो अपनी सीमित शक्तियों से बाहर जाके, सीमित दायरों के बाहर जाकर के चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्यों को भेदने की क्षमता साबित कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो कि हमारा पड़ोसी राज्य बैठ करके उत्तर प्रदेश के विकास को देख के, अखिलेश जी द्वारा किए गए कार्यों को देख करके एक उत्सुकता से देखा करता था, आज वो स्वागत कर रहा है। किराए की भीड़ मंगाने की आवश्यकता ही नहीं हमें। देखिए अपार जन समूह वहां पे समर्थन दे रहा है हमें। और मैं कहता हूँ पहली स्थिति में अगर मान लीजिए दो मिनट के लिए हम मान लेते हैं सरकार बनाने की स्थिति में न भी रहे, हम विस्तार की स्थिति में तो आ जाएंगे। सरकार बनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? मैंने मेरी बात आप समझ, मैंने कहा दो मिनट के लिए मान लीजिए हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हाँ। लेकिन कम से कम हम अपने क्षेत्रीय सीमा के बाहर विस्तारीकरण की स्थिति में तो आ ही जाएंगे ना, तो हम कहीं से नुकसान में नहीं है। लेकिन ये ध्यान रहे जब आप उत्तर प्रदेश आएंगे। हाँ। तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और मुझे लगता है कि जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी कांग्रेस ने, चेतावनी दे रहे क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कांग्रेस को डरा रहे हैं? ठीक है अश्विनी भाई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डराऊंगा, वो हमारे मित्र है, वो हमारे मित्र है, सहयोगी है, इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व है। मैंने आपके माध्यम से एक निवेदन किया है कि क्षेत्रीय दलों को उनका सम्मान और क्षेत्रीय दलों के महत्व को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही आप लोकसभा के मामले में उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे वहां पे समाजवादी पार्टी का रेड कार्पेट आपको दिखाई देगा। अच्छा अच्छा, तो आप उनको सीटें नहीं देंगे मुझे लग रहा है, मुझे समझ गया हूँ आपकी बात को, भावना आपकी समझ। अब आप तो देखिए मीडिया तो सब समझ जाती है, मीडिया सब समझ जाती है। मैं तो आज ये सवाल पूछूंगा कि जो बाबा फायर ब्रांड बन के उत्तर प्रदेश छोड़ के 100 विधायकों को लेके प्रचार कर रहे हैं। हाँ। पूछिए जरा उत्तर प्रदेश पे, अभी अगर आपको गौरव भाई आपको उतरते ही चार लोग घेर ले। हाँ। आप पुलिस को फोन कहाँ करेंगे? डायल 100 पे करेंगे कि एसपी डीसीपी के सीयूजी पे? हाँ। क्योंकि डायल 100 की कर्मचारी तो सब हड़ताल पे बैठी है, तो आप ही के साथ घटना घट जाएगी तो आप किसको फोन करेंगे पहले ये ढूंढिए भाई। मैं ढूंढ लूंगा सत्ता पक्ष को, ढूंढ लूंगा विपक्ष को, ढूंढ लूंगा, मुझे कोई तो आ ही जाएगा। चले ठीक है, अश्विनी भाई मुस्कुरा रहे थे जब मलिक भाई से बात की तभी अश्विनी भाई मुस्कुरा दिए थे। अश्विनी भाई ये जा रहे राजस्थान चले गए हैं और वहां कांग्रेस चुनौती बनेंगे, आपको तो बड़ा यहाँ पर सुकून होगा क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस राजस्थान में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की दावे कर रही थी, कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर मलिक जावेद ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है, लोकसभा चुनाव तक जाएंगे, हो सकता चीजें यहाँ दुरुस्त हो जाए, लगता है आपको? देखिए इस तरीके से जो गठबंधन इन लोगों ने बनाया, हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, आपके चैनल पर भी कई बार हमने कहा, जो आई डैश एन डैश करके बनाया, जो डैश है ना ये टूटन का एक रूप है, मैंने पहले भी कहा था और वही दिखने में आ रहा है। अच्छा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था कि जो है लोकसभा के लिए ही बना है, अखिलेश जी का बयान है। अच्छा अच्छा, कि हमको नहीं पता था कि लोकसभा के लिए ये है, हमको पता था इसमें भी है जी। और आज दोनों नेता बैठकर कह रहे हैं कि नहीं ये वही लोकसभा के लिए बना है, तो भाई अखिलेश जी को नहीं पता है या इन लोगों को पता है, ये हमको समझ में नहीं आया। अच्छा दूसरी बात, एक फिल्म आई थी बहुत पहले लीडर। अच्छा लीडर, अच्छा हाँ, उसमें जो गाना था आज बड़ा मौजूद है वो। अच्छा हाँ, कांग्रेस जो है और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के ऊपर से गाना गा रहे हैं, एक थोड़ा सा समय लूंगा, गाना सुना दीजिए भाई। समाजवादी पार्टी कह रही है हम ही से मोहब्बत हम ही से लड़ाई। हाँ। अरे मार डाला दुहाई दुहाई, लीजिए अभी ना समझ हो उठाओ ना खंजर। हाँ। कहीं मुड़ ना जाए तुम्हारी कलाई, लीजिए ये दिखने में दिख रहा है कि आईपी सिंह। हाँ। और संदीप, अच्छा जो यहाँ पर संदीप सिंह हैं जी, दोनों लोगों के ट्विटर वार से देखिए मुझे लग रहा है। हाँ। और अखिलेश जी का बयान देखिए जी, अखिलेश जी आईपी सिंह को बिना सह दिए तो आईपी सिंह इतना लिखेंगे नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बिल्कुल मैच देखने जाते हैं पांच लोगों में राजेंद्र चौधरी के साथ, वो भी रहते हैं आईपी सिंह भी रहते हैं, इसका मतलब कि उधर से पूरा सह है। बिल्कुल
तभी इस तरीके से ट्विटर वार हो रहा है कि किस तरीके से क्या क्या बताया जा रहा है जी। लेकिन कांग्रेस गाना गा रही है वो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस कह रही है जैसे राजस्थान में लड़ रहे हैं और वहां लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने कहा करो खून तुम यू न मेरे जिगर का, बस एक वार है काफी तिरछी नजर का, क्या बात है, यही प्यार को आजमाने के दिन है। चुनाव के बाद कहां आजमा सकता है, सही बात है, किए जाओ हमसे यूं ही बेवफाई लीजिए। तो किस तरीके से ये मौजू गाना लीडर पिक्चर ही, आज सारे लीडर वही वो कर रहे हैं, क्या बात है। तो आज की स्थिति ये है कि भाई अच्छी चीज है, अभी विवेक भाई ने कहा कि हम अवसर खोज रहे हैं, आपदा में अवसर है। आज देखिए कांग्रेस की क्या स्थिति है, राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जा नहीं रहे हैं, सचिन पायलट को वहां पर किसी जगह जगह नहीं दी जा रही है, वहां तो अशोक गहलोत की कांग्रेस लड़ रही है वहां। अच्छा। तो एक वैक्यूम बना था कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा था अखिलेश जी को, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई कुछ हम और भारतीय जनता पार्टी की मदद करें, तो मदद करने पहुंच गया। एक अवसर है राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो भी है, यही मध्य प्रदेश में देखिए क्या स्थिति है। अच्छा। बयानबाजियों से भारतीय जनता पार्टी शुरू से आश्वस्त थी कि इन लोगों का ये जो गठबंधन तथा कथित इंडी अलायंस है, अच्छा, ये आगे परवान नहीं चढ़ पाएगा, तलवारें पहले ही खिंच गई। अच्छा। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा किस तरीके से ये लोग लोकसभा के लिए, गठबंधन लोकसभा के लिए भाई। देखिए लोकसभा क्या है, आज एक बात बताइए, आज मैं अभी आपके चैनल पर यहाँ बैठकर आपको कहूँ कि गौरव भाई ये गलत हैं, वो आपको चार गाली दूं, उसके बाद फिर हम दोनों गलबहियां डाल के जो है तीन दिन बाद कहीं घूमते दिखाई दे, जो आपके दर्शक होंगे वो क्या कहेंगे हम दोनों लोगों के बारे में। आज खड़े होकर मंच से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी धोखे ठग पार्टी है, इस पर भरोसा मत करना, जातीय जनगणना की बात, अखिलेश जी के बयान में भाषण बता रहा हूँ, जनगणना बयानों की पराकाष्ठा है भाई। उन्होंने जातीय जनगणना की उत्तर प्रदेश में मांग करते हैं और मध्य प्रदेश में जाकर कहते हैं कांग्रेस जातीय जनगणना अपने चुनावी राजनीति के लिए वो कर रही है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। तो क्या है ये, जनता क्यों बेवकूफ नहीं है? अच्छा। जनता आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पढ़ाई लिखाई से इतनी अवेयर हो चुकी है कि इन जो बरसाती मेढकों का जो है प्रादुर्भाव भी देखेगी और इनका अवसान भी देखेगी। ये बरसाती मेढक 2024 में, ये बरसाती मेढक किसको बोल दिया आपने, बरसाती मेढक ये जो इकट्ठा हुए हैं, ये लोग उगे अच्छा, है ना मोदी जी को हराने के लिए। अच्छा, पता नहीं कहाँ, देखिए कांग्रेस के वो चौधरी जी कहते हैं वहां जाकर, क्या नाम है, बंगाल में कहते हैं कि वो तो साधु रहती हैं ममता जी दिल्ली में, यहाँ आकर शैतान हो जाती हैं, चोरों की सरकार है। पंजाब में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी किस तरीके से गाली देते हैं और कांग्रेस के लोग कैसे करते हैं, तो ये हर तरफ से देखिए कोई दल ऐसा नहीं है कि जो एक दल, एक पीएम के कैंडिडेट जो है देखिए विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, औरतों का महिमा वर्णन कर रहे हैं वो, हाँ, वो बता तो ये ऐसे ही दलों की पराकाष्ठा है। अच्छा, अच्छा। इसका अवसान भी जनता देखेगी और करेगी। अरे आपको पुराने साथी रहे, बराबर करिए भाई, आपको पुराने साथी रहे, बराबर करिए। मोदी जी को 400 सीटों से संगत का असर है, ट्रेनिंग यहीं से मिली है गौरव भाई, ट्रेनिंग यहीं से मिली है। अच्छा, इसलिए आपने बोल दिया और क्या। अच्छा, संगत का असर है, जाने में समय लगेगा। अच्छा ठीक है, जाने समय लगेगा। आशीष से बात करूंगा, आरएलडी से। आशीष भाई जी, पिछली बार दो मिली थी, इस बार एक मिली है जी, आपको भी हल्का लेगी लगता पार्टी? नहीं, हल्का भारी वाली बात नहीं है। हाँ। गौरव भाई क्या कहेंगे, अखिलेश जी भी आ गए, आपके साथी है, आपका गठबंधन उत्तर प्रदेश बड़ा मजबूत है। हाँ बिल्कुल, हर जगह हमारा आईएनडीआई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारी अगर हमारी और समाजवादी की गठबंधन की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत मजबूत है। अच्छा, और अगर आप आईएनडीआई की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत मजबूत है। मजबूत कैसे बता रही, जरा बड़ी अच्छी बात कही। हमारे ऊपर आप इतनी देर से अश्विनी भाई ने खूब हमको गाने भी सुनाए। आप ही सुना दीजिए। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। एमपी में मैं इनके लिए गाना सुनाना चाहूंगा कि जनता इनसे जनता इनसे कह रही है भाजपा से कि तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये इनके एमपी में, और देखिए राजस्थान में इनको कोई चेहरा नहीं मिल रहा है। अच्छा अच्छा, है ना, ये भटक रहे हैं इधर उधर, तो उसके लिए भी 1000 गाने हैं। अच्छा। अगर आज गानों की अंताक्षरी तो मैं आज इनको अंताक्षरी में इनको मैं हरा देता, क्योंकि मुझे गाने बहुत आते हैं। तो अश्विनी भाई को गाने गाने में चुनाव में करिए, कोशिश चुनाव में करिए, वो चुनाव में वहां तो हार रहे हैं आप। हार रहे अश्विनी भाई, हार रहे हैं जीत रहे हैं ये तो समय बताएगा। एक सीट मिली अश्विनी भाई, एक सीट मिली।
भारतीय जनता पार्टी ना बताया कि क्या हुई, नहीं एक सीट मिली, दो सीट मिली, ये नहीं है, एक सीट मिली है हमका, हमारा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य जो है, हमारा, अरे हम 50 मांग रहे थे, हमारी बात तो सुन लीजिए आप, यहाँ पर बात ये नहीं है कि एक मिली है कि 10 मिली है, अच्छा यहाँ पर जो लक्ष्य है वो देखिए बिल्कुल क्लियर कट है, अच्छा यहाँ सीटों का लक्ष्य हमारे कोई हमको निगाह नहीं पाएगा हमारी चीजों से, अच्छा अच्छा कि एक मिली या 10 मिली, हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, ठीक है, उसके लिए हम लोग एकदम तत्पर हैं, और हमारा जो भी इंडिया गठबंधन है वो भी एकदम आप ये मान लीजिए कि धुआंधार फाइटिंग कर रहा है, ठीक है, बाकी रही सीटों की बात, तो भाई मुस्कुराएंगे आप कहेंगे धुआंधार फाइटिंग कर रहा है, अब क्यों नहीं कर रहा है भाई, फाइटिंग ही तो हो रही है, नजर आ रहा फाइटिंग ही तो चल रही है, वही तो मैं भी फाइटिंग कर रहा है, हाँ बिल्कुल हो रही है, हम लोग फाइटिंग आपस में हो रही है, आपस में नहीं, फिर देखिए आप जब वो बात भूल जाएंगे कि ये जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए है, तो जब आप विधानसभा पे आएंगे तब तो ये आप पेट भर भर के कोस रहे हैं, वो कैसे रिवर्ट करेंगे सर, नहीं कोसेंगे, आप एक चीज बताइए, अगर ये विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश जी वहां पर जाते हैं राजस्थान, तो ये क्या कहेंगे कि भाइयों बहनों तुम कांग्रेस को दे देना वोट, अच्छा या भारतीय जनता पार्टी को दे देना, इसमें कोसने की कौन सी बात है, अपनी पार्टी के लिए वो अपना प्रचार कर रहे हैं, तो जब फाइट हो रही है विधानसभा का चुनाव है, तो वहां पर ये क्या कहने लगेंगे जब अलग अलग सब लोग लड़ रहे हैं विधानसभा में, तो वहां कह देंगे कि नहीं आप जो वोट है वो कांग्रेस को दे देना जाकर, या भारतीय जनता पार्टी को दे देना, ये कैसा अजीब बिल्कुल आपने प्रश्न कर दिया, मैं आपको जवाब देता हूं, अपनी पार्टी का प्रचार करना अच्छी बात है, पर जिस तरह से यहां कांग्रेस को झूठी मतलबी धोखेबाज ठगी पार्टी बोल रहा है, जो ये बड़ी पार्टी के लिए बड़े आरोप लगाए जा रहा है, इन बयानों से कैसे बैक हुआ जाएगा, अपनी संगठन मजबूत करिए, अपनी पार्टी प्रचार करिए, वोट मांगिए, उससे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस तरह से आप सामने वाली पार्टी जो आपका साथी है, INDIA गठबंधन में आपका साथी है, तीन तीन मीटिंगों में साथ रहा है, लंबी चर्चाएं चली है, विधानसभा चुनाव पुराना चुनाव भी साथ में लड़ा गया है, वहां पर देखा है कितनी सीटें भी यहां पर दी गई थी, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह आप कहेंगे तो उसका रिवर्ट भी यहाँ पर असर नुकसान होगा, तो इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके के बयानों पर रोकथाम होनी चाहिए, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ कि इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं किसी भी पार्टी से, इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं, जो घटक दल हैं, वो अगर आपस में एक दूसरे को ऐसे कोसेंगे तो ये इसका प्रभाव जनता के ऊपर सही नहीं पड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, अच्छा चलिए, लेकिन वहां पर आप अपनी भी तो जमीन तलाश रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो करना है वो आप करेंगे ही करेंगे, और मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है उसमें, और मेन जो मुद्दा है गौरव भाई, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना है, और अश्विनी भाई को लास्ट में मैं एक गाना फिर सुनाऊंगा, रख लिया है बाहर करना है, चलिए ठीक है, गाना सुनाते रहिए जी, मैं जरूर, मैं भी जरूर सुनूंगा, पूरा मत सुनाइएगा, मैं डिबेट खत्म हो जाएगा, एक एक ठीक है, अंतर ही सुनूंगा, गजेंद्र भाई आप गाना नहीं सुनाएंगे, नहीं आप समीक्षा करेंगे, मुझे और मेरे, समीक्षा मेरे, क्योंकि यहाँ पर सबने अपनी अपनी बात कह दी है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आज गाने की शुरुआत हमारे अश्विनी भाई कर दी है, खैर अच्छी बात कही, गजेंद्र भाई क्या लगता है जो इस तरह कहा जा रहा है, बयान दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं बड़ी पार्टियों को लेकर, कांग्रेस निश्चित रूप से छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, 10 को देश पे राज किया, उस पार्टी को लेकर इस तरह के बयानबाजी, बयानों की पराकाष्ठा बोलूंगा, एक ही शब्द मेरे पास इस पे है, मलिक भाई भी इस चीज को समझ रहे हैं, बयानों की पराकाष्ठा, वो आपका साथी है, तो आपको लगता है कि जो जितना रार फैल रही है मध्य प्रदेश से राजस्थान आ गई है, यहाँ पर फायदा बीजेपी को रहेगा और नुकसान कांग्रेस को, क्योंकि अखिलेश यादव की मध्य प्रदेश में जमीन कोई है नहीं बड़ी, और राजस्थान में भी बहुत बड़ी जमीन नहीं है, 7.5% वोट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, 15 साल पहले एक सीट जीते 2008 में, वो पता है एक विधायक, तो बड़ी जमीन यहाँ पर नहीं है, बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ नुकसान कांग्रेस को, कैसे रखते हैं? नहीं, दो चीज़ें हैं गौरव भाई, अगर हम घोसी की जीत को इंडिया गठबंधन की जीत बोलते थे तो बागेश्वर के हार को बिल्कुल एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, या तो हम कह दें कि वो जीत समाजवादी पार्टी की थी, बिल्कुल बात खत्म हो गई जी, ठीक, अखिलेश जी का बयान आप देख ले, उन्होंने कहा हमें यह मालूम ही नहीं था कि यह जो गठबंधन है ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, और निश्चित तौर से देखिए धरातल की जो स्थिति है अस्पष्ट यह है कि चाहे राजस्थान हो और चाहे MP हो, मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस का जो वहां नेतृत्व है वह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व की बात नहीं सुन रहा है जी, ये सारा ये बिल्कुल सीधा सीधा यह है, अच्छा कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, अच्छा। अगर वो सुनना चाहते
तो वहां पे समाजवादी पार्टी को सीटें दी गई होती। अच्छा। आज राजस्थान में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने बड़ा बयान दिया है, नहीं आपने बड़ी बात कही है, ठीक की केंद्रीय नेतृत्व की सुनी नहीं जा, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। अच्छा। यही नहीं, अच्छा। आप देखें पंजाब की क्या स्थिति हुई। अच्छा। पंजाब में जो जो भी कांग्रेस का नेतृत्व था वहां पर क्या सुनता था, सुनना ही नहीं चाहते थे। तो हालात यह हो गई है कि जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो ऐसी ही बातें निकाली जाएंगी कि धोखेबाज पार्टी है। अच्छा, ठीक है। अब आप सोच लीजिए, उसी पार्टी को आप बोलते हो धोखेबाज, ये चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। बिल्कुल सच्चाई। अब कल लोकसभा में कैसे बोल पाओगे आपकी इसी को वोट देना। बिल्कुल सही बात है, जनमानस तो पूछे अरे भाई जी क्या बोल गए। भाई सवाल मेरे सामने है, भाई सवाल कांग्रेस सामने भी है। बिल्कुल हाँ। यह सवाल बहुत बड़ा है बड़ा और यह सवाल यह नहीं है, यह सवाल एक बड़ी रेखा खींच, जनता तो जनता है, नहीं बड़ी रेखा खींच दिए है, खींच दिए। बिल्कुल, कांग्रेस भी जान गई है और समाजवादी पार्टी के लोग भी जान गए हैं कि आने वाले कल में, आने वाले कल में ये कभी एक साथ आने वाले नहीं है। ठीक है, आरएलडी ने जो जो यहाँ पे बात कहा कि हमको भाई हम वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हराने गए हैं, भाई सहयोगी के रूप में आपको जो महत्व दिया गया वहां, भाई चलो दो सीट के जगह एक ही सीट दे दिया गया आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं दिया गया। लीजिए आप, समाजवादी पार्टी आपसे भी हल्की हो गई क्या? ठीक, तो वहां पर कांग्रेस ने बिल्कुल हल, देखिए समीकरण दूसरा होने जा रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। अच्छा अच्छा बता दीजिए। उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है वह समाजवादी पार्टी छोड़ करके बनने जा रहा है। अच्छा, और कांग्रेस इस पर कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, और निश्चित तौर से हम लोग डिबेट में रहेंगे और आप इसको देखेंगे कि आरएलडी को कांग्रेस लेना चाहती है और समाजवादी पार्टी को छोड़ देना चाहती है। मलिक जाबिर भाई मन की बात बोल दिया लगता है आपने। और यही नहीं है, देखिए ये बताइए, हर कोई अपने अपने वोट की बात कर रहा है। जी। इनके पास 7.5% वोट था तो ये वहां पे चुनाव लड़ने के लिए चले गए जी। और जिन्होंने अपना उत्तर प्रदेश में 56% वोट को छोड़ा हो जी, वह फिर अपने वोट को लेने का पूरा प्रयास कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ेगी तो अपने उसी वोट बैंक के लिए लड़ेगी जो उसके पास था। क्या बात, उसके पास जो वोट बैंक है उसी वोट बैंक से लोग आज बोलते हैं मेरे पास में 26%, मेरे पास में 32%, मेरे पास में 42% वोट है ना, वही वोट है ना, और तो कोई वोट है नहीं। तो निश्चित तौर से कांग्रेस ये चाहती है कि जो बात अखिलेश यादव ने कहा है वो सब लोगों ने गांठ बात। और ये भी देखिए बताओ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो कांग्रेस के बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोला है कि बात बोलते रहो। अच्छा, मतलब ऊपर से आदेश, एकदम आदेश है। अच्छा, ऐसा नहीं है, एकदम आदेश है कि बोलते रहो जी, क्योंकि जो बात ये बोल के आए हैं अब इसके बाद समझता नहीं है। एक बार अभी आपने ये बोली कि नीचे वाले ऊपर वाले सुन नहीं रहे हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि ऊपर वाले बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वहां पे चुनाव हो रहा है, यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए। हाँ। जहां पर कांग्रेस मजबूत है। हाँ। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप देख ले पंजाब की क्या स्थिति हुई। अच्छा, पंजाब की पूरी सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व न उनका सुनना चाहता था, न वो सुनना चाहते थे राष्ट्रीय नेतृत्व का। और हालात क्या है वहां पर जी, आपके सामने है। मध्यप्रदेश ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मध्यप्रदेश हम क्या कह रहे हैं। हाँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं चुनाव अपने बल पे लड़ रहा हूं यहाँ। क्या बात, क्योंकि सारी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। अच्छा, स्टेटमेंट आप उनका देखें, तो सारी व्यवस्था वो देख रहे हैं, चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो किसको सीट देनी और किसको सीट नहीं देनी दोबारा आता हूं के पास, इसका भी निर्णय उन्हीं को करना। ठीक है, असीर भाई कुछ बोल रहे थे, मैं मामले की बात कर लेता हूं। असीर भाई कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि कमलनाथ जी भी, कमलनाथ कांग्रेस चला रहे हैं वहां, और अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत कांग्रेस चला रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में राहुल गांधी से जो हार्ट अटैक हुआ वो तो सबके सामने है। बिल्कुल, धारीवाल जी कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट देने की बात थी जी, और उनको टिकट दिलवाया अशोक गहलोत जी ने। राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं उसी चक्कर में जी, तो स्थितियां तो कमोबेश। और मैं आपको एक भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की परिस्थितियों पर मैं कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भविष्यवाणी नहीं है पर क्या जरूर है। मलिक भाई क्या दिया उन्होंने, जीतने जा रही है, आपके लोग, आपके नेता के लोग नहीं सुन रहे हैं, बता रहे हैं, हॉट टॉक हो रही है।
सबकी बातें सुनी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि सब कांग्रेस को लेकर बहुत चिंतित है। अच्छा। तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अच्छा। पांचों राज्य जीतेगी। अच्छा, एक मूवी का जिक्र किया था लीडर का, एक मूवी का जिक्र मैं भी करूंगा। क्यों दो दो मुख्यमंत्री तेजस पिक्चर का प्रमोशन कर रहे थे, अब अगला गाना विवेक भाई सुनाएंगे। चाटुकार की पिक्चर थी, मूवी थी, वो फ्लॉप हो गई, बिल्कुल जीरो बैलेंस हो गया उसका। तो ऐसे ही भाजपा पांचों राज्यों में कोलैप्स होने वाली है। और दूसरी, एक अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेता इधर नहीं सुन रहे, उधर नहीं सुन रहे, एक तरफ कह रहे हैं कि वो उधर से आ रहा है तो वो नीचे के नेता बोल रहे हैं, तो अपनी बातों में इनका कंट्राडिक्शन है, तो इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि कहना क्या है, कहना क्या नहीं है। दूसरा, राजस्थान में और राजस्थान में कि इनकी सुनी जा रही है, उनकी सुनी जा रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मुद्दों पे चुनाव कौन लड़ रहा है। मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं पांचों राज्यों में। गौरव भाई, इन्होंने मान लिया, हमने सेट किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि यही हो रहा है जो हम लोगों ने कहा। हिमाचल प्रदेश में नैरेटिव सेट किया था, पांचों राज्यों में हमने नैरेटिव सेट किया। दूसरा, अश्वनी भाई ने कहा कि राहुल जी राजस्थान नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, अभी इलेक्शन अभी तो 5 तारीख आई है, 7 तारीख आई, 8, अभी पूरा महीना बाकी पड़ा है, प्रचार देखना हमारा कैसे होने वाला, पूरा नैरेटिव ही हम चला रहे हैं। आपको तो मुख्यमंत्री का ही नहीं पता कहाँ छुपे बैठे, वसुंधरा राजे का नहीं पता कौन शेखावत जी है उनका नहीं पता, यही नहीं पता लग रहा कौन प्रचार कर रहा है। मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश में उठा के देख लीजिए, 10-10 मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, तो यानी आपने 18 साल का जो काम शिवराज जी ने किया था वो नकार दिया, इसका मतलब ये है आप घोषित कर दोगे यही होंगे। आप तो चेहरे पे चुनाव लड़ते हो, कभी मुख्यमंत्री के, कभी प्रधानमंत्री के, तो इस बार भी मुख्यमंत्री उतारना चाहिए था, ना चाहिए था आपको, नहीं उतारा जी। तो कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दो भाई। अच्छा, कांग्रेस की चिंता करना छोड़ दो, कांग्रेस देश की चिंता कर रही है। अच्छा, देश चिंता कर रही है, क्या बात, ठीक है, ठीक है। सुनी भाई जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक भाई को लेता हूँ, विवेक पांडे को जी। देखिए, कांग्रेस की चिंता हम नहीं कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन जो समसामयिक विषय दिख रहे हैं गौरव भाई, उसको हम बता रहे हैं, उसको हम बताने से भी कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम समीक्षा हमको करनी है, उसी हिसाब से हमको तैयारी करनी है जी। तो ये इन्होंने मान लिया कि अब जो है उसको छोड़ने का वो मुद्दा नहीं है कि कौन किसकी नहीं सुन रहा है, इसका मतलब कि हम लोगों ने सत्य बोला कि नहीं सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा और स्पष्ट है। गहलोत जी तो खड़गे साहब को और माकन साहब को अध्यक्ष के चुनाव में बैरंग लौटा चुके हैं, खड़गे साहब के सामने पर्चा भरने से कहा, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री भी रहेंगे अध्यक्ष भी रहेंगे, तो वहां पर गहलोत साहब ही सरकार चला रहे हैं और स्थिति वहां की पंजाब की तरह होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव वहां पर राजस्थान में जीतने जा रही है। अच्छा। और मध्य प्रदेश में भी आप देखिएगा बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। ठीक है, वे पांडे, वे पांडे, गौरव भाई जी, गौरव भाई मैं स्थिति बड़ी स्पष्ट कर दूं कि देखिए, आप ही के मंच पे कई पैनलिस्ट और कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते आए थे कि सपा को अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहिए जी। अब सपा जब अपने दम पे आ गई है तो मुझे लगता है कि भाजपा की खलबली ज्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा। और कांग्रेस चकली चली है, चूंकि कांग्रेस हमारी एक सहयोगी दल के रूप में है। अच्छा, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उद्देश्य एक है, पटल एक है। अच्छा। और लक्ष्य एक है। अच्छा। कि जिस तरीके से भाजपा, अगर मुझे लगता है कि भाजपा, अगर भाजपा को कोई समस्या नहीं है, भाजपा को इस गठबंधन से या हमारे समीकरणों से कोई चिंता की बात नहीं है, तो दिन रात इस पे मंथन करने की क्या आवश्यकता है भैया। आप अपने विकास कार्यों पे समय लगाइए। अब तो ये स्थिति आ गई कि सोचिए भाजपा के लोग अगर शब्द नहीं बचे तो गानों से अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, गाने गाने पड़ रहे हैं इनको, हमने इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर आज अश्विनी शाही भाई ने गाना अच्छा, लेकिन हम एक बात है कि जब हमारी सरकार आएगी मैं अश्विनी भाई को भी कम से कम गाने के लिए आमंत्रित करूंगा। मुझे लगता है कि भजन कीर्तन की जरूरी है कि मतलब इस दिशा में भी कार्य किया जाए। अरे वही जो मैंने कहा वही तो कह रहे हैं सरकार भाई, वही बता रहे हैं। नहीं, सरकार बिल्कुल आएगी। देखिए यूपी में बाबा ने यूपी को वैसे अनाज छोड़ दिया है। अच्छा, अनाज छोड़ बाबा जाके दूसरे राज्यों में अपनी जगह टटोलने लगे अभी से। अच्छा। वो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। वो अपनी जगह टटोलने जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश से अगले कार्यकाल में उनका सफाया होने वाला है। अच्छा। आगामी चुनाव में भी कर रहे हैं, जाना है यहाँ से। अब वो इस स्थिति में है कि जाके दूसरे राज्यों में कहीं स्थापित हो जाएंगे, क्योंकि जो अराजकता, जो असहज स्थिति उन्होंने अपने लिए खड़ी कर ली है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद उनका सर्वाइवेशन कहीं भी मुश्किल है। अच्छा। और मुझे लगता है कि अब तो वो इस स्थिति में है कि उनको मठ में भी लोग स्वीकार कर ले बड़ी बात है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह वो खुल के मंचों पे झूठ बोलने लगे हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश में जाके उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं कि यहां सब सुशासन है, जीरो टॉलरेंस है। और इतना जीरो टॉलरेंस है कि बताइए सबसे आवश्यक सेवा डायल 100 की कर्मचारी बताइए धरना दे रही है। डायल 112 में पहुंचा दिया इन्होंने। नहीं, 112 है अभी, डायल 112 है।
चलिए हम तो 100 ही जानते हैं, 112 इन्होंने कर दिया है। अच्छा। लेकिन हम तो 100 ही जानते हैं भाई, हमने तो क्विक रिस्पांस के लिए बनाया था। ये लोग एक, लेकिन आप तो इन्होंने वो तो बनाया उस पर नहीं उतरे हैं कि अपने राज्य को से नहीं नीचे आए हैं, उनका लक्ष्य हो गया है, उच्चीकृत हुआ है। लेकिन गंभीरता नहीं बची है सामाजिक न्याय और सामाजिक कानून को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के। अच्छा। तो मुझे लगता है इतना परिपक्व नेतृत्व है, योगी जी से नहीं समझ रहा, इस्तीफा दे दीजिए ना। कौन जरूरी थोड़ी है कि कोई ढोए उनको, मजबूरी थोड़ी है उत्तर प्रदेश की। और उससे बड़ी बात मैं कहता हूं, अगर फिर भी वो नहीं समझ पा रहे, उनको कोई समस्या आ रही है, तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी है, समय दिलवा दूंगा, कैसे समीक्षा की जाती है वो सीख लें एक बार। चलो ठीक है। और सरकार आएगी। अच्छा। अरे वो तो समीक्षा कर ही रहे हैं, राज्यों में जो कांग्रेस के अपने सहयोगी को ठग और चोर बता रहे हैं, तो समीक्षा तो कर ही रहे हैं भाई। इसीलिए हताश है कि देखिए अपने ही नेता का नाम नहीं ले पा रहे हैं। अश्विनी भाई कुछ बोल रहे हैं, अश्विनी भाई बोल रही है, क्या बोल रहे हैं? अरे विवेक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि समीक्षा तो कर ही रहे हैं वो, अपने सहयोगी आपने जिसको कह रहे हैं उसको ठग और चोर बता रहे हैं वहां जाकर, तो समीक्षा तो कर रहे हैं, उनसे बढ़िया समीक्षक नहीं है भाई, तो करने दीजिए वहां जाकर। हम लोग अपनी समीक्षा करने के लिए बेहतर विद्वान हमारे यहाँ हैं। पीडीपी के साथ सरकार बनाई आपने जम्मू में जाके, कभी आप उसको आतंकवादियों का समर्थन करते थे, कभी आतंकवादियों से कनेक्शन जोड़ते थे। एक समय आया कि आपने पीडीपी के साथ सरकार बना ली, कभी आप कहते थे कभी कहते थे आतंकवादियों को कोशिश करती है, कभी आतंकवादी कनेक्शन जोड़ते थे भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है इसमें बताइए भाई। कांग्रेस कम से कम देश विरोधी तो नहीं है ना, हमारी इंडिया गठबंधन में कोई देश विरोधी नहीं है। मले भाई खुश हो जाइए आप, तारीफ कर दिया। ये अखिलेश जी को भी समझाइए, चोर ना कहे, सत्य है वो तो सत्य है। आतंकवादियों के सबसे ज्यादा कनेक्शन तो भाजपा से उजागर हुए, चंदे तक ले लिए, बताइए। मले भाई पर यहाँ पर खुशी की बात है कि यहाँ पर उनके नेता भले कुछ बोल रहे हो, पर विवेक पांडे ने यहाँ पर तारीफ कर दी है कि कांग्रेस देश की पार्टी है, देशभक्त पार्टी है, तारीफ कर दी भाई। आतंक 110 पूर्व उग्रवादी भाजपा ज्वाइन करते हैं बोडोलैंड पे, मणिपुर देखिए जल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, पीडीपी को पूर्व उग्रवादी को आप जम्मू में टिकट दे दिया, साउथ के करीबी से चंदा ले लिया, स्लॉटर हाउस से चंदा ले लिया 250 करोड़। अरे कितना गिरेंगे भाई राजनीति में, गिर करके निकृष्ट राजनीति का कोई प्रमाण नहीं है, तथ्यों का अभाव, तर्कों का अकाल, मुद्दों का सुनापन। नहीं नहीं, तथ्यों का अभाव कैसे है, विरोधी दल इसी में है गुरु। अरे भाई अखिलेश जी को ये समझाए ना कि जो ये कांग्रेस की बढ़ाई कर रहे हैं, अखिलेश जी ठग और चोर का सही कौन है भाई? हो गया। मले भाई बात लूंगा, फिर आशीष भाई की बात लूंगा। मले भाई बोलिए। मैं अश्विनी भाई को एक चीज कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी से प्रधानमंत्री बहुत बड़े नेता है और देश के प्रधानमंत्री है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं नेचुरल करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और अगले दिन अजीत पवार जी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र में। तो इसको क्या कहेंगे आप, प्रधानमंत्री बने अखिलेश जी बने हैं? तो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है नहीं होती है? दुनिया में बदनाम कर दिया प्रधानमंत्री पद को, कि झूठ बोल बोल के और गलत बयानों के वजह से आज पूरा देश शर्मसार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के। ठीक है, अश्विनी भाई जवाब दीजिए। अरे वो आपके सहयोगी पर कुछ एनडीए अलायंस बोलेगा, जो बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा है कोई एक ट्वीट वगैरह, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहा गई? इंडिया जीत रहा है, वर्ल्ड कप भी जीत रहा है इंडिया, अपमान हुआ है नारियों का, इतनी आपत्ति क्यों है इंडिया से आपको? अरे वो इंडिया दूसरा है भाई, वो इंडिया क्रिकेट टीम है, वो 11 खिलाड़ी एकजुट है भाई, वो लड़ नहीं रहे, वो इंडिया दूसरा है भाई, वो इंडिया दूसरा है, वो इंडिया क्रिकेट टीम है, वो लड़ नहीं रहे, वो विरोधी टीम से लड़ रहे हैं, आपस में नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, आशीष तिवारी की बात, हम भी आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम देश के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल मलिक भाई, बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं, पर जो बयानबाजी बंद करा दीजिए, नहीं तो हम देखे खबर नहीं थी, बात उठाते रहेंगे। चलिए ठीक है, प्रवक्ता राउट को लूंगा मैं। आशीष भाई, आप नाराज हो गए थे आपकी, जिस तरह उन्होंने आशीष भाई ने बोला कि आप चर्चा में बने रहते हैं, और ये भी कहा कि आपका व्यवस्थाएं क्या है। व्यवस्थाएं क्या है, सब व्यवस्थाएं बिल्कुल चक है, व्यवस्थाओं में क्या कमी है। गजेंद्र पाठी जी भी बोल रहे थे कि भाई आपको एक सीट मिली है तो आपके साथ तो नया हो गया है, सपा को नहीं मिली है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर देखिए हम लोग कोई भारतीय जनता पार्टी के तरीके सत्ता लोलुप नहीं है। अच्छा। कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा पड़ा है, चोरी बलात्कार हत्याएं ये सब हो रहा है, यहाँ पर डायल 112 की जितनी भी कर्मचारी हैं संविदा वाली उनके साथ में इतना बुरा बर्ताव हो रहा है। अच्छा। स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ जा रही हैं, और यहाँ पर पूरा मंत्रिमंडल जाकर चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ के नेता क्या एमपी या राजस्थान में इनके पास कोई नेता नहीं है क्या, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ नेता भेजे जा रहे हैं? अच्छा।
पहले तो इस बात अरे हमारा परिवार बड़ा है। अरे परिवार बड़ा होता ही है सर, परिवार बड़ा होता तो फिर बुलाने की जरूरत थोड़ी पड़ जाती, परिवार छोटा है इसीलिए हर फंक्शन में वही लोग बुला लिए जाते हैं, हर फंक्शन में वही लोग बुला लिए जाते हैं घूम फिर के, एमपी में होगा तो यहाँ से बुला लिए जाएंगे। अनुकंपा सांसद यहाँ पर आपका परिवार है ही कहाँ भाई, अनुकंपा सांसद क्या होता है, परिवार ही नहीं है आपका, दूसरे के बल पर सांसद बन जाना अनुकंपा पर सांसद होता है, अनुकंपा सांसद होता है, कोई बात नहीं, दूसरे के बल पे नहीं, हमारा गठबंधन के लोग हैं वो, अच्छा हमारे गठबंधन के लोग हैं हम, दूसरे तीसरे आप क्या होंगे, आप क्या ओम प्रकाश राजभर दूसरे होंगे, आप क्या संजय निषाद दूसरे होंगे, हम लोगों क्या इंडिया गठबंधन एक है, हमको हमारे यहाँ दूसरा तीसरा कुछ नहीं चलता, ये तिवारी का आपकी परंपरा है कि आप दूसरा और तीसरा गिनते हैं। अभी एक मुझे खबर पता चली थी कि वहां पर अवध चौराहे पर जी एक भारतीय जनता पार्टी का वहां पर प्रोग्राम हो रहा था, हाँ। और वहां 6-6 एम्बुलेंस जो थी वो फंसी पड़ी थी, अच्छा। और वो किसी तरीके से निकलने में नाकाम रही, अच्छा। और वहीं पर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वहां पर भाषण दे रहे थे एक रैली में, हाँ। और इनके एक कार्यकर्ता को कुछ तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बीच में भाषण रोक दिया, अच्छा। और उसके बाद में पहले उसको भेजा, अच्छा। तो ये पहला और दूसरा तो आप लोग करते हो ना, वो आपका कार्यकर्ता था तो आपने भेज दिया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में एम्बुलेंस में आपको पता नहीं था कि आपका कार्यकर्ता है कि दूसरी पार्टी का है, तो पहला दूसरा करना आपका काम है, ये आप पहला दूसरा करते हो क्या, हम लोगों के यहाँ पहला दूसरा नहीं होता है, ठीक। आज पूरा अनाथ पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश, अनाथ पड़ा, घटनाएं पड़ चल रही है, खीरी में 13 साल की बच्ची के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है, और यहाँ पर कितनी रोज की रोज यहाँ पर लूट की वारदात हो रही है, यहाँ पर रोज हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, और पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव जीतने में, तो सत्ता लोलुपता आपके अंदर में है, हम लोग सत्ता लोलुप नहीं है। टीवी चैनल को छोड़कर आप लोग कहीं सड़क पर तो इस मामले का विरोध करते हुए दिख ही नहीं रहे हैं सर, खूब दिख रहे हैं आपको, तो नहीं दिख रहे हैं आप लोगों ने भी क्या, खूब दिख रहे हैं आपको, नहीं। आपको कोई सरोकार नहीं है आपको, अरे 111 भाई आपको नहीं दिख रहा है, हम लोग तो खूब काम कर रहे हैं, 111 सीट दिया भाई आगे जनता ने, मैं कह तो आपने छोड़ दिया, हम लोग खूब काम कर रहे हैं अश्विनी भाई, आपको नहीं दिख रहा है और ये जनता को दिख रहा है, ये पब्लिक को मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये पब्लिक को दिख रहा है, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जनता को बना दिया तो भाई देखिए 15 साल सत्ता से बाहर थे, आट की हांडी एक बार दो बार चढ़ती उससे दो बार तो चढ़ती नहीं है, एक ही बार चढ़ती है, आपकी दो बार चढ़ गई है ना, नहीं चढ़ती है हमारी, कैसे चढ़ जाएगी हमारी, दो बार मजबूत हांडी है जो हमेशा बरकरार रहेगी, नहीं चढ़ पाएगी योगी जी, आप लोग अभी गए 47 का कहीं कोई है नहीं, आप लोग मौसम वैज्ञानिक की तरह पार्टी पाला बदलिए, कांग्रेस भाजपा करिए, इधर भी अनुकंपा मिल सकती है, आप लोग मौसम वैज्ञानिक की तरीके कभी यहाँ का कभी वहाँ का बता रहे हैं, दिल्ली आपके योगी जी दिल्ली लखनऊ की रात में फंसे रहे, कभी डिप्टी सीएम कभी सीएम कभी उनके विभाग की शिकायत कभी अपने विभाग की शिकायत, चिकित्सा विभाग तो ध्वस्त हो चुका है पूरी तरीके से, इनकी ही पार्टी में विवेक भाई एक 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 भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली से संचालित होती है और एक भारतीय जनता पार्टी है, अरे तो भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है ये, आपकी कंपनी है ये प्राइवेट डेमोक्रेसी है, गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात प्राइवेट लिमिटेड हो गया, हो गया उसके ये सीईओ, कुछ भी हो पर मैं इतना मानता हूँ, मैं किसी की अच्छाई बुराई नहीं हूँ, कुछ भी हो एक INDI गठबंधन है जहां पर रार है वहां पर बयानबाजी हो रही है, तो दूसरी तरफ अगर NDA गठबंधन की बात कर कुछ भी व्यवस्था हो 38 दल हैं पर निश्चित रूप से कभी कोई बयानबाजी सामने नहीं आती है, ये अनुशासन तो होना ही चाहिए और अनुशासन होगा तो हो सकता है 38 दलों में अस्तित्व होगा तब तो बयानबाजी होगी, गौरव भाई आधे के तो सांसद विधायक नहीं है, अच्छा अनुशासन जब वो किसी स्थिति में ही नहीं है तो फेंके हुए टुकड़े पे तो मुंह बंद रखना ही पड़ेगा ना, अच्छा फेंके टुकड़े मुंह बंद रखना, ये देखिए जैसे अभी आरएलडी वाले मुंह बंद रखे हुए हैं, शांति साहब का पक्ष ले रहे हैं, से सहायता से सरकार बनाई है क्या, 10 राज्यों में जो सरकारें गिरा के बनाई है, इनका जनमत था क्या, इनका जन समर्थन था क्या, कि ओम प्रकाश राजभर को बिना कुर्सी के पीछे नहीं खड़ा रखते हैं, अच्छा किसने अपने फायदे के लिए चाचा जो हैंडल पर बैठे थे साथ मिला लिया, चाचा जो हैंडल पर बैठे थे दुनिया ने देखा, अरे हो गया ओम प्रकाश राजभर ने जूते चप्पल से पिटवाने की बात की उनको तक गले लगाना पड़ा, ठीक है ठीक है छोड़ दीजिए, स्वाभिमान अगर होता थोड़ा भी तो कम से कम दिखाई देता भाई, चलिए स्वाभिमान इतना गिरा हुआ स्वाभिमान मैंने नहीं देता, भाजपाइयों में जितना है छोड़ दीजिए आप, ठीक है स्वाभिमान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो मुद्दा था उसी पे आते हैं, मैं मलिक भाई को दोबारा लूंगा, मलिक भाई जी
भाई यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस की बात दूंगा, यहाँ विवेक भाई ने बड़े कॉन्फिडेंस की बात नहीं की, पर आशीष तिवारी आरएलडी बड़े कॉन्फिडेंस से बोले हैं, बड़े विश्वास से बोले हैं कि आईएनडीआई गठबंधन मजबूत है। आपने भी कहा था मजबूत है, हालांकि समाजवादी पार्टी प्रवक्ता तब से ऐसा कोई हमको एक सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिला, क्योंकि दर्द आपने दिया है, पर सीट आपको देनी चाहिए थी। अगर 33 सीट वहाँ पर लड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस की है। आपने गंभीरता से अगर लेते तो सर उनको मौका देना चाहिए था, इसलिए सकारात्मक रवैया भी नहीं मिला, इसलिए बयानों की पराकाष्ठा भी देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर फिर भी कहा जा रहा है कि हम सब एक हैं। अब एक कैसे हैं, फाइनल कमेंट दे दीजिए। जी हम अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा तो गठबंधन नहीं टूटा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि हमने कोई भी गठबंधन किया और उसमें हम टिकट के लिए मीटिंग में गए। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, हमें तो जानकारी नहीं है। तो आपको क्या, आपको कह रहा है सपा मुखिया झूठ बोल रहे हैं? जो चीज हमें पता ही नहीं है उसको मैं कैसे आपने पेश करूँ, आपके नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कह दूं, बस मैं एक लाइन में कहूंगा, भाजपा पांचों राज्यों से बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। अच्छा। क्योंकि आप किसी भी नेता का इनके बयान उठा के देख लीजिए, कोई अगर बयान आओ तो मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हो, कोई घोषणा पत्र हो, कोई योजना हो, प्रधानमंत्री स्वयं उल्टे सीधे नरगल बयान दे रहे हैं जाके भाषणों में, और जिस माह उस पे ऐप पे हमला कर रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री पे हमला कर रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता गिरफ्तार हो रहे हैं, तो कोई एक इनके पास रोड मैप नहीं है कि चुनाव जीतने क्यों जा रहे हैं, क्यों लड़ने जा रहे हैं, क्यों क्या मुद्दा है, रोड मैप ही नहीं बीजेपी के पास, गायब ही। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है असनी भाई, फाइनल समय चल रहा है, कोई रोड मैप नहीं है आपके पास? नहीं नहीं, रोड पर तो मैप राहुल गांधी जी बना रहे हैं भाई। अच्छा, रोड में वो मैप ही बना रहे हैं, रोड पर। अच्छा, मैप ही बना रहे हैं, बाकी धारा, हाँ धरातल पर कहीं नहीं है। यहाँ राजस्थान में देखिए आने वाले दिनों में एक टूट चल रही है सचिन पायलट, और उसमें टूट चल रही है। कह रहे हैं मैप बनाया उन्होंने भाई, कह रहे हैं हमने कन्याकुमारी कश्मीर से मैप बनाया भाई, हाँ बनाया है ना, वो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी एक, हाँ उसके बाद ही, उसके बाद देखिए क्या भारत जोड़ो यात्रा की थी भाई। हाँ अरे भाई, भारत जोड़ो जो हम लोग तो तोड़ो ही कहते हैं। देखिए मोहब्बत की दुकान में किस तरीके से नफरत बिक रही है, अभी आपको दिखाई दिया ना कि किस तरीके से हिंसा बिक रही है, किस तरीके से नफरत हो रहा है, तो वो अलग बात है। चुनाव की बात पर जहाँ तक हम चुनाव में बड़े ही प्यार से ये लोग चुनाव हार रहे हैं, बड़े प्यार से हार रहे हैं। भारतीय जनता जी भारतीय जनता पार्टी अपना परचम बुलंद करने की कगार पर है, कगार पर है। परिणाम नहीं आया पर अभी कगार पर है, परिणाम 3 तारीख को आएगा। चले ठीक है, परिणाम आएंगे। चले ठीक है, बे पांडे आप लोग प्यार से चुनाव हार रहे हैं। गौरव भाई, मैं तो भाजपा के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि जब स्वाभिमान नहीं बना, आत्मसम्मान नहीं बचा, जब नैतिक पराकाष्ठा नहीं बची, जब अपना अहम ही नहीं बचा, जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, न जाने कैसे कैसे वक्तव्य सुन करके आज राजभर जी के भी उनको गले लगाने के लिए तैयार है, तो सोच लीजिए किस स्तर की मानसिकता और कितनी मजबूत आत्मबल है। अच्छा। कि भैया किसी भी हद तक गिर के राजनीति करेंगे, बहरहाल ये उनका विषय है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि ख्याली पुलाव अच्छे है, बिरयानी खाने पाकिस्तान बिना बुलाए जैसे चले गए थे, और एक अहंकार में जैसे एक बीजेपी सरकार गिरी थी। अरे कांग्रेस आपके लिए बोली है भाई, कांग्रेस बोली है कि इसके बाद उन्हीं का नंबर है, सुन लीजिए। हाँ। इसके बाद उन्हीं का नंबर है, सुन लीजिए। हाँ। मैं तो यही कहूंगा कि वो अहंकार के दिन मुझे याद आ गया जब एक सीट से सरकार गिरी थी। और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, उसके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनमें जोश है, क्योंकि हमारे पार्टी का विस्तारीकरण हो रहा है, हमें अवसर मिला है चुनाव में जाने का और स्वयं को साबित करने का, और अखिलेश यादव जी का लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल है, यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया था कि मीटिंगें हुई थी और वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा हुई थी, और सपा मुखिया ने शानदार खुलेआम मन से बोला था कि 1-1 बजे रात तक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, वहां चर्चा हुई थी, तो मैं किसको सही मानूं? अब भाई देखिए, हमारे मुखिया तो गए थे मीटिंग में। हाँ, हमारे भाई को हो सकता है कि उस तथ्य का ज्ञान ना हो। अच्छा, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करने से बेहतर है कि मैं तो यही जानता हूँ जो मेरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय नेतृत्व तो कहेगा। हाँ। वही हमारे लिए लक्ष्मण लकीर होती है, लक्ष्मण। अच्छा। की लकीर है। हाँ। और आदरणीय अखिलेश जी तो स्वयं मीटिंग में उपस्थित थे। हाँ। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का अगर कोई प्रवक्ता यहाँ पे होता कांग्रेस का। अच्छा। तो वो स्थिति को ज्यादा स्पष्ट कर सकता था। अच्छा। लेकिन अभी चूंकि हमारे भाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, हो सकता है कि उनको ज्ञान ना हो, ये पता कर लेंगे। लेकिन ये है कि
वरिष्ठ नेतृत्व जब कोई बात कहता है तो मुझे लगता है उस बात को काटने से पहले, किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेतृत्व की बात को काटने से पहले तर्क और तथ्य आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं तो शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा सभी को, बाकी हम तो उत्साह हमारे प्रत्याशी एकदम जोश में है और हमारे लिए ये अवसर है और इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस को कि हमको चुनाव में लाने का मौका दिया। पांडे, यहां पर शुभकामनाएं किसको देंगे? कांग्रेस को देंगे तो वो तो आपके विपक्ष में है मध्यप्रदेश में। नहीं नहीं, मैं कांग्रेस को इसलिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि अगर ये गठबंधन की शर्तों पे चलते तो शायद 3 या 5 सीट मिलती। अच्छा, लेकिन आज हमको 50 से अधिक सीटों पे जाने का मौका मिल रहा है तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस को। भाई हमारे प्रत्याशियों में उत्साह है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, आज उनके लिए एक अवसर उपलब्ध हुआ है मध्य प्रदेश की धरती पे, तो मैं इसको सकारात्मकता से कांग्रेस को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। एक था आपदा में अवसर, एक है मजबूरी में अवसर। ठीक है, आज तुम्हारी फाइनल कमेंट। देखिए, मैं दो बातों के साथ अपना कमेंट देता हूँ। विश्वास तो आपका लाजवाब है, विश्वास लाजवाब है। नहीं नहीं, एक तो मैं अपने अश्विनी भाई को बोलना चाहता हूँ, बार बार, हाँ। बार बार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, देख सकते हैं। सुपड़ा साफ होगा 5 के 5 राज्यों में इनका, 5-0 हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरी चीज, मैं ये इंडिया गठबंधन को लेके जो एक मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए जो भी हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनको, बड़े दलों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए और प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक, उनकी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए जी, क्योंकि उससे होता क्या है कि फिर हमारे को, हम लोगों को इस तरीके की डिबेट्स झेलनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं हम एक हैं। अच्छा, लेकिन एक होते हुए भी अच्छा, हमको इस तरीके की बातें सुननी पड़ती है। गौरव भाई, देखिए अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है समाजवादी विचारधारा के लोगों को, हाँ, कि कांग्रेस को कतई वोट मत लीजिए। फाइनल स्टेटमेंट ले लीजिए, इतना स्पष्ट कोई भी नेता नहीं कहता। लीजिए, बहुत बड़ी बात कही है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन का कोई नेता मंच से ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहता है, लेकिन अखिलेश यादव ने समाजवादी विचार से जीने वाले हर लोगों को कहा कि कांग्रेस झूठी पार्टी है, इसको वोट बिल्कुल मत देना। तो अस्पष्टता तो हो गई ना, बिल्कुल हो गई, मध्य प्रदेश भी हो गया, राजस्थान भी हो गया जी। ठीक है, चुनाव हारना जीतना पार्टियां लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, हारती वो बात की बात है जी, लेकिन स्पष्ट रूप से इस तरह से बोलने वाला इस देश का पहला नेता वो है। क्या बात है। और इंडिया गठबंधन में होते हुए तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है, इसके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस का नुकसान हो रहा है ये भी जानती है समाजवादी पार्टी। अच्छा, कि जो भी वोट आपको मिलने वाला है वो सारा वोट फायदा किसका हो रहा है, सारा का सारा वोट कांग्रेस को ही जाता। अच्छा, जो वोट आपको जाएगा। अच्छा, फायदा किसका हो रहा है, और कांग्रेस वही हारेगी। फायदा किसका हो रहा है, निश्चित तौर से विरोधी का फायदा होगा। क्या बात है, बीजेपी फायदा हो रहा है। ठीक है, आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा से जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो सबने यहाँ पर अपनी बात रखी और इस डिबेट में आज पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने अंतरा के साथ गाने के शब्दों के साथ डिबेट में अपनी अपनी बात रखी, अच्छा रहा। पर एक चीज और निकल के आई, कहीं कॉन्फिडेंस है, कहीं विश्वास है कि हम सब एक हैं, पर हम से एक कैसे हैं ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं। एक दूसरे को लोग सहयोग करना नहीं चाहते, समर्थन देना नहीं चाहते, और सबसे बड़ी बात है सम्मान देना नहीं चाहते, और फिर कहते हैं कि हम सब एक हैं। तो एक होने के लिए पहले मजबूत आधार बनाइए, सम्मान का, व्यवस्थाओं का और रुचि का, और मतभेद नहीं मन के जुड़ाव का। यहाँ चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, 5 राज्यों के चुनाव से बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है कि आगामी लोकसभा चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला। पर यहाँ पर जो रार है, अगर ये रार बढ़ती रही तो आने वाले समय में ये रार इतनी बड़ी हो जाएगी कि INDIA की बात करना भी फिजूल होगा। फिलहाल हम खबर नबीस हैं, हम किसी बात को हल्का नहीं लेते हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कितना रार घटेगी और कितने लोग जुड़ेंगे वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो है कि आखिरी में मैं भी अपनी बात को दो लाइनों से कहना चाहूंगा कि जनता है ये सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।